आज आप हमें क्या बताने वाली हैं? आज आज मैं तुम लोगों को गणित पढ़ाऊंगी। उसमें पढ़ाऊंगी भिन्न। भिन्न क्या होती हैं? जब हम किसी संख्या को इस तरह लिखते हैं, एक रेखा खींचकर ऊपर एक अंक, दूसरा एक अंक, ठीक है, तो इस तरह संख्याओं के लिखने की व्यवस्था को कहते हैं भिन्न। भिन्न समझ में आया? और इसे कैसे पढ़ते हैं? एक बटा तीन, एक बटा पाँच, एक बटा चार, एक बटा दो। दो हम जब भी भिन्न लिखते हैं तो बीच में एक रेखा खींच देते हैं। जी जी, ठीक है। इस रेखा के ऊपर वाला जो अंक होता है उसे हम कहते हैं अंश। क्या कहते हैं? अंश। और इस रेखा के नीचे वाली जो संख्या होती है, जो अंक होता है, उसे हम क्या कहते हैं? हर। क्या कहते हैं? हर। समझ में आया? जी। ऊपर वाली संख्या हो गई अंश, ठीक है? जी जी। और नीचे वाली संख्या क्या कहलाती है? हर। हर। रेखा के ऊपर वाली जो संख्या होगी वो कहलाएगी अंश, और रेखा के नीचे वाली संख्या कहलाएगी हर। समझ में आ गया ना? जी 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 जी। भिन्न में एक और जादू होता है, एक बटे दो, ठीक है। कौन सी संख्या हुई है? एक बटे दो। तुम्हें पता है अगर हम इस भिन्न संख्या में ऊपर अंश और नीचे हर में एक ही संख्या से गुणा करें तो इसके मान में कोई भी बदलाव नहीं आएगा। दीदी ये कैसे? करके देख लेते हैं। चलो तान्या तुम ही बताओ किस संख्या से मैं इसमें गुणा करूं? दीदी आप इसे पांच संख्या से कर लीजिए। पांच संख्या से करूं? चल एक गुणे पांच और दो गुणे पांच। एक को पांच से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? पांच। और अब दो को पांच से गुणा करेंगे तो क्या आएगा? दस। दस। लेकिन दीदी आपने तो कहा था कि इसको गुणा करने से इसका मान वही होगा। पर दीदी ये तो बदल गया। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं बदला, यही तो जादू है। वो कैसे दीदी? वो ऐसे कि जब हम इस आई हुई संख्या को सरल करेंगे जी दीदी तो हमारा मान फिर से यही आ जाएगा। पांच में पांच कितनी बार जाएगा? एक 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 बार, ठीक है। और पांच में दस कितनी बार जाएगा? दो बार। अरे दीदी ये तो वही वाली आ गई भिन्न। मैंने क्या कहा था, भिन्न में भी जादू है। अब मुझे तुम लोग ये बताओ कि इन दोनों भिन्न संख्याओं में छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है? नहीं पता। नहीं पता दी। पता कैसे नहीं चलेगा? बहुत सरल बात है, देखो ध्यान से देखना। जब भी कभी ऐसी संख्याएं आती हैं तुम्हारे सामने और तुमसे पूछा जाए कि इन दोनों में बड़ी भिन्न क्या है, तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि इन दोनों भिन्नों में कोई समानता है। तुम लोग ये बताओ इन दोनों भिन्नों में तुम्हें कोई समानता दिखाई दे रही है? दीदी दीदी इसके हर समान है। बिल्कुल सही पकड़ी बात तुमने। इन दोनों भिन्नों में जो नीचे की संख्या अर्थात हर है वो दोनों समान है, ठीक है। अब तो हमारी सवाल बिल्कुल सरल हो गया। हमारा सवाल वो ऐसे कि अब जब हमारे हर अंक समान है, नीचे के हर जो अंक है वो समान है, तो अब हम देखते हैं ऊपर वाले अंक, ठीक है। यानी कि अंश वाली संख्याएं देखेंगे हम, ठीक है। इन दोनों भिन्नों में जिस भिन्न में अंश वाली संख्या बड़ी होगी वो वाली भिन्न क्या होगी? बड़ी होगी, ठीक है जी। और इसका उल्टा कर दो तो छोटी भिन्न निकल आएगी। यानी कि जिस भिन्न की अंश वाली संख्या कम होगी वो क्या, वो कौन सी संख्या हो जाएगी? वो छोटी भिन्न हो जाएगी, ठीक है ना जी। समझ में आ रहा है जी। इसको हम किस तरह लिखेंगे? बड़ी भिन्न कौन सी हो गई? ये। छोटी भिन्न ये हो गई। इसको हम लिखेंगे ऐसे, ठीक है दीदी। ये निशान आपने क्यों लगाया है? ये निशान इसलिए लगाते हैं ताकि हमें पता रहे कि कौन सी संख्या किस संख्या से छोटी है या बड़ी। पर दीदी इस निशान से कैसे पता चलता है? अच्छा देखो मैं तुम्हें बताती हूँ।
इस निशान को देखकर तुम्हें अंग्रेजी के वी अक्षर नहीं याद आ रहा? जी दीदी, है ना? वी हम लिखते हैं ऐसे। दीदी अगर इसे लिटा दे तो ये बन जाएगा। चलो भाई वी को आराम करा देते हैं। और क्या हो गया वी? अब ये चिन्ह बन गया हमारा, ठीक है? जी जी। अब देखो इस चिन्ह में इसका मुंह तुम्हें मगरमच्छ की तरह नहीं लग रहा है? जी, ऐसे खुला हुआ ना बिल्कुल, ठीक है? आप देखो इसी से पहचान होती है बड़ी और छोटी संख्या की, ठीक है? मैं बताती हूँ। देखो इस तरह जो भी संख्या होगी, ठीक है, इस मगरमच्छ के बंद मुंह की तरफ जो भी संख्या होगी वो हमेशा छोटी होगी, ठीक है? जी दीदी। और इस मगरमच्छ के खुले मुंह की तरफ जो भी संख्या लिखी होगी वो बड़ी होगी। समझ में आई बात? जी दीदी। अच्छा समझ में आ गई तो पूछूं मैं? जी दीदी। चलो अब मैंने लिखा यहाँ पर 8 और यहाँ पर लिखा 7। चलो तानिया तुम हमें ये बताओ कि अगर 8 किस 7 संख्या से बड़ा है ना? जी दीदी। 8 का अंक 7 के अंक से बड़ा है। जी दीदी। अगर अब हमें चिन्ह से दिखाना हो कि 8 की संख्या 7 की संख्या से बड़ी है तो बताओ इसका मुंह हम किस तरफ करेंगे? दीदी अगर हम 8 की तरफ इसका मुंह खोलेंगे, मतलब कि 8 बड़ा है, हाँ? तो हम इसका मुंह 8 की तरफ खोलेंगे। बहुत अच्छी बात है, ऐसे। जी दीदी। ठीक है। अच्छा अब अगर मैं तुम लोगों से ये पूछूं कि तुम लोग इन दो भिन्न संख्याओं में से सबसे बड़ी वाली भिन्न बताओ तो क्या बता पाओगे? नहीं दीदी। क्यों दीदी? इन भिन्नों में तो हर समान नहीं है। अच्छा अगर इन दोनों में हर समान हो जाए फिर तो बता लोगे ना? जी दीदी। दीदी पर ये होगा कैसे? बहुत सरल है, हमें बस इतना सोचना होगा कि हम कौन सी ऐसी संख्याओं से इन दोनों भिन्नों के हर और अंश में गुणा करें जिससे इन दोनों के हर क्या हो जाए? समान हो जाए। समझ रहे हो ना? जी दीदी। ठीक है। अच्छा चलो तान्या तुम मुझे बताओ मैं ऐसी कौन सी संख्या से इन दोनों को गुणा करूं जिससे दोनों के हर समान हो जाए? दीदी अगर हम 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 आएगा, हाँ? और अगर 3 को 5 से करेंगे तो भी 15 आएगा। बहुत अच्छी बात, देखो कितनी समझदार लड़की है। तो चलो करके देख लेते हैं। जी दीदी। इसको हम किससे करेंगे? 3 से। ठीक है। 2/5 को गुणा किया किससे? 3। 3 से उसके अंश में और 3 से उसके हर में। हर में। क्या संख्या आ गई? 2×3 6। बहुत सही। और 5×3 15। ठीक है। इसी तरह अब हम इस वाली भी भिन्न को गुणा करेंगे। जी दीदी। 1/3। दीपाली बताओ मैं किससे गुणा करूं इसे? दीदी 3। 5 से, है ना? क्योंकि हमें नीचे का हर समान लाना है। ठीक है, समझ में आ रहा ना? जी दीदी। अब बताओ 5 को 1 से गुणा किया कितना आ गया? 5। और 5 को 3 से गुणा किया कितना आ गया? 15। ठीक है। तो हमारे पास हमें कौन कौन सी संख्या मिल गई? 6/15 और 5/15। 5/15। क्यों अब तो बता लोगे ना? जी दीदी। कौन सी भिन्न बड़ी है बताओ? दीदी 6/15। क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा है। 6 5 से बड़ी संख्या है तो कौन सी भिन्न बड़ी हो जाएगी? 6/15। और कौन सी छोटी भिन्न हो जाएगी? 5/15। चलो तान्या तुम मुझे बताओ अब अगर मैं इसमें छोटे और बड़े का चिन्ह लगाना चाहूँ तो मैं किस दिशा में लगाऊँ? दीदी 6/15 बड़ा है, हाँ? इसलिए मुंह खुलेगा 6/15 की तरह। हाँ मगरमच्छ का मुंह किसकी तरफ खुलेगा? 6/15 की तरह। आप देखो भाई आप समझ में आ गया ना? जी दीदी। पूछूं तुम लोगों से? जी दीदी। अच्छा चलो तान्या तुम बताओ भिन्न संख्याएं कौन सी होती हैं? दीदी जब किसी संख्या को बटे के रूप में लिखा जाता है, हाँ? यानी एक अंक रेखा के ऊपर और एक अंक रेखा के नीचे, हाँ, उसे भिन्न कहते हैं। हाँ, और उसे पढ़ते कैसे हैं?
एक बटा तीन, जैसे 6/15, 1/3, 2/5, ऐसी संख्याएं कौन सी होती हैं? भिन्न संख्याएं होती हैं, ठीक है जी, अच्छा चलो दीपाली तुम मुझे बताओ भिन्न संख्याओं में मैंने तुम्हें कौन सी दो और संख्याएं बताई थी? दीदी अंश और हर। बहुत अच्छे, अंश और हर से मिलकर भिन्न संख्याएं बनती हैं। अच्छा धीरज तुम मुझे बताओ अंश और हर संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? अंश जो देखो जब भी हम भिन्न संख्याएं लिखते हैं तो जो अंक इस रेखा के ऊपर होता है वो कौन सा होता है? अंश होता है, और जो संख्या इस रेखा के नीचे होती है वो कौन सी होती है फैजान? हर। हर होती है, ठीक है। भिन्न संख्याएं बटे के रूप में लिखी जाती हैं जी दीदी, और ऊपर वाली संख्या अंश होती है और रेखा के नीचे वाली संख्या हर होती है। हर होती है, समझ में आ गया ना जी दीदी। और इसके बाद मैंने तुम्हें कौन सा जादू बताया था दीदी? अगर किसी भिन्न संख्या में उसके अंश और हर में एक ही संख्या से गुणा कर देंगे तो उसका मान क्या होता है? बदलता नहीं है, उतना ही रहता है, ठीक है ना जी, समझ में आया। और फिर मैंने तुम्हें क्या बताया था दीदी? इस चिन्ह के बारे में बताया था। इस चिन्ह के बारे में बताया था ना, ठीक है। अच्छा धीरज तुम बताओ इस चिन्ह से हमें क्या पता चलता है? इस चिन्ह से हमें छोटे और बड़े भिन्न के बारे में पता चलता है। भिन्न के ही नहीं धीरज, किसी भी संख्या के उसके आगे या पीछे वाली संख्या से बड़े या छोटे होने का पता चलता है, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर दो भिन्न हैं 6/15 और 5/15। अब हमें पता है कौन सी भिन्न बड़ी होगी? 6/15। क्यों? क्योंकि इसका अंश बड़ा होगा, ठीक है। तो इस चिन्ह का मुंह यानी मगरमच्छ का मुंह कहाँ खुलेगा? बड़ी संख्या के सामने, और इसका मुंह कहाँ बंद होगा? छोटी संख्या के सामने, ठीक है। उसके बाद मैंने तुम्हें बताया था कि भिन्नों में से बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न को कैसे अलग करते हैं, ठीक है ना। एक मैंने तुम्हें बताया कि जब भिन्नों में नीचे के अंक यानी हर समान होंगे तब हम उनमें से बड़ी भिन्न कैसे अलग करेंगे जी, जिसमें बड़ा अंश ऊपर होगा अंश की संख्या बड़ी होगी वो बड़ी भिन्न, जिसमें अंश की संख्या छोटी होगी वो छोटी भिन्न। अब जैसे इसमें मैंने तुम्हें बताया तो ऐसी भिन्नों में जब हर समान नहीं होते तो किसी ऐसी संख्या से गुणा करते हैं जिससे हर समान हो जाए। जब समान हो जाएगा तो जो अंश जिस संख्या में जिस भिन्न में अंश बड़ा होगा वो भिन्न कौन सी हो जाएगी? बड़ी भिन्न होगी, समझ में आ गया ना जी। अच्छी तरह